नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पोटका के निश्चिंतपुर में टाटा स्टील के कचरा प्लांट का गांव वालों ने किया विरोध, कहा किसी हाल में कचरा प्लांट लगाने नहीं देंगे। परसुडी के सरजांदा में सड़क पर हुआ जल जमाव, पौधा और मछली छोड़ जताया विरोध। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर द्वारा आयोजित आक्रोश सर्वधर्म सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया। और शहर में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी। खबरें विस्तार से। खेती बचाओ और गुलान मंच ने टाटा स्टील का कचरा प्लांट का किया विरोध, कहा पोटका के निश्चिंतपुर में किसी भी हाल में कचरा प्लांट लगने नहीं देंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान गणेश सरदार, मनोज सरदार, सपन मित्रा ने संयुक्त रूप से कहा कि कचरा प्लांट से यहां के लोगों को फायदा नहीं होगा, शहर का कचरा गांव में लाया जाएगा और यहां के लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा, यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग कचरा प्लांट का पुरजोर विरोध करते हैं। आम जनता के भारी विरोध के बावजूद भी यहाँ की सरकार और प्रशासन ने जनता के विरोध को दरकिनार करते हुए उसको जो पर्यावरणिक स्वीकृति देने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन और तेज होगा। और इस कचरा प्लांट के विरोध में हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और एनजीटी को के यहाँ भी हम लोग याचिका दायर करेंगे। परसुडी के सरजामदा में सड़क पर हुआ जल जमाव, जिला परिषद सदस्य और लोगों ने धान का पौधा और मछली छोड़कर जताया विरोध। बताया जा रहा है कि सरजामदा में सड़क काफी जर्जर है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में शनिवार को क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कुसुमपूर्ति के नेतृत्व में महिलाओं और लोगों ने धान लगाया और मछलियां छोड़ी। लोगों का कहना है कि सड़क खेत बन गई है, इसलिए इसमें धान लगाकर विरोध जताया गया है और पानी भरने से यह तालाब जैसी दिख रही है, इसलिए इसमें मछलियां छोड़ी गई है। यह काम विरोध स्वरूप किया गया है। सड़क काफ़ी जर्जर है, इस सड़क से गुजरने में एक घंटा लग जाता है, गड्ढों के चलते कई जगह हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए और सड़क का निर्माण करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो गड्ढे दिख रहे हैं, आज हम लोग टाटा नगर स्टेशन से यदि हम लोग उतरते हैं कि हमारे सरजमदा का नाम अगर कोई ऑटो वाला को हम लोग लेते हैं तो वो आना नहीं चाहता। हमारी स्थिति ये हो गई है कि कोई गाड़ी वाला आना नहीं चाहता। अगर किसी की रात भी रात तबीयत खराब हो गई है, किसी डिलीवरी महिला को हमको हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। कई बार एक केस हमारा ऐसा भी आया है कि इन रास्ते में ले जाते बॉस गुड़िया की जो मिसेज है वो डेथ भी कर गई कि रास्ता इतना खराब था, उसको टाटा मोटर्स ले जाया जा रहा था, रास्ते पे इतना जम गड्ढे होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट का मानगो गांधी मैदान में सर्वधर्म सभा में वक्ताओं ने यूसीसी को देश की अखंडता के लिए खतरनाक बताया। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट की ओर से मानगो स्थित गांधी मैदान में आयोजित आक्रोश सर्वधर्म सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया। डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन ये शर्त है। डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन ये शर्त है, मेरा लहू बहे तो वतन को संवार दे। मैं डरने वाला नहीं हूं, न मैं डरा हूं न डरूंगा। संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जहां कहना बोलिएगा, कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में रखेंगे और रखना भी चाहिए। अगर आप जानकार हैं तो आप रखिए, अगर आप जानकार हैं तो रखिए, और नहीं है तो जानकारी लेने के लिए मैदान में आइए। जो काम आलम-ए-दीन को करना चाहिए, सलमान खान जी सुनिए पत्रकार बंधु, जो काम आलम-ए-दीन को करना चाहिए आज वो काम जाहिलों की टीम कर रही है, जिसमें हम भी शामिल हैं। आज क्या बात है कि जो आलम-ए-दीन है, जिनको इन मैदान में होना चाहिए, आज वो कहां है? आज हम जैसे जाहिलों की टीम बना करके आपके अंदर हिम्मत पैदा करवाने के लिए इस गांधी मैदान में, जो मानगो का नहीं इस जिले का ऐतिहासिक मैदान है, उस मैदान में आकर के हम आपको जगाने का काम कर रहे हैं। कितना और सोगे आप, अपना वजूद खत्म कर दोगे अगर खामोशी से रहोगे।
और शहर में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। जिला प्रशासन ने आम जनता को सतर्क एवं सुरक्षित रहने का दिया निर्देश। शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने आम लोगों को डेंगू की बीमारी से सतर्क एवं सुरक्षित रहने का निर्देश दिया है। तो डेंगू बीमारी हमारे जिले में भी जैसे जैसे सर्विलेंस का काम हो रहा है, वैसे वैसे ये डेंगू बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी डायग्नोज हो रहे हैं। अब तक इस साल 45 हम लोग डायग्नोज कर चुके हैं, जिसमें से 39 पेशेंट्स जो हमारे ज़िले के हैं और विशेष करके ये मांगो एरिया से चिन्हित हुए हैं। हमारे ज़िले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी सरकारी संस्थान में इसकी जांच और इसकी उपचार की व्यवस्था की गई है। इवन जो प्राइवेट संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान, वहाँ भी उनको अवेयर किया गया है, उनको पत्र के माध्यम से सूचित दिया गया है। अगर डेंगू के लक्षण के साथ कोई रोगी उनके अस्पताल में आते हैं, उसकी सूचना IDSP को दिया जाए ताकि उनका हम लोग निगरानी कर सकें और डेंगू के रोकथाम के लिए हम लोग जो भी कार्यक्रम किया जाता है, जैसे एंटी लार्वा एक्टिविटी और फॉगिंग, वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन, ULB, अर्बन लोकल बॉडीज, अलग अलग जो बड़े बड़े यहाँ कारखाने हैं उनके प्रतिनिधि, सभी से सहयोग मिल रहा है। अभी तक जो रोगी हैं वो सब स्वस्थ हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिन भी डेंगू को महामारी होने से जिले में हम लोग रोक पाएंगे। वहीं शहर में चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, बड़ी वाहनों का किया गया सघन जांच। SSP प्रभात कुमार के आदेश पर शहर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दो पहिया वाहन समेत बड़ी वाहनों का सघन जांच किया गया। ये हेडक्वार्टर से आदेश है, एंटी क्राइम का चेकिंग करना है 9:30 बजे तक। हम लोग सारे गाड़ी को चेक करते हैं, एक तरफ से एक भी गाड़ी नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ चेक करते हैं। BP जितना भी चीज़ है सब चीज़ को बजाबता निकाल करके सब कुछ चेक करते हैं। क्या क्या गाड़ी है, जैसे जितनी भी रोड पर गाड़ी चल रही है करीब करीब सब कुछ चेक करें। क्या क्या उसमें जांच कर रहे हैं आप लोग? जांच कर रहे हैं। एंटी क्राइम का मतलब है कि उसमें हथियार वगैरह, कोई ड्रग्स वगैरह है कि नहीं, लेकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि ये सब का आपका जाँच यही सब चेक कर। मणिपुर हिंसा को लेकर संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के आह्वान पर चांडिल चौक बाजार में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम की शुरुआत चांडिल बाईपास सड़क सिनेमा हॉल के समीप में सभी लोग इकट्ठा होकर पदयात्रा की शक्ल में चांडिल बाजार तक जाकर पुतला दहन कर समापन किया। मौके पर प्रवक्ता सुधीर किस्कू ने कहा कि जिस तरह आए दिन मणिपुर की घटना को लेकर जितनी भी निंदा की जाए कम होगी, ऐसी घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिपुर में भाजपा की नीति सरकार को डूब मरना चाहिए। एक तरफ भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और एक तरफ भाजपा शासित राज्य मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के ऊपर कुकृत्य अत्याचार जो असहनीय है, एवं झारखंड प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अभी तक मौन है, इन्हें शर्माना चाहिए। सामाजिक संगठन के प्रवक्ता मनिक सरदार ने कहा, जिस तरह मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण जो मन को व्यथा और पीड़ा उत्पन्न कर रही है, अगर मणिपुर में भाजपा सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करती है तो एक व्यापक रूप से आंदोलन देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार यथाशीघ्र मणिपुर में शांति कायम करे, अन्यथा झारखंड से भी मणिपुर राज्य की ओर आदिवासी कूच करेंगे और उग्र रूप से आंदोलन करने को बेबस होंगे। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला टाउन हॉल के सौंदर्यकरण, जीर्णोद्धार एवं पूर्ण विकास योजना का शिलान्यास किया। नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के कार्यकारी एजेंसी जुटको लिमिटेड के द्वारा कराए जा रहे उक्त कार्य के तहत सरायकेला टाउन हॉल में सेंट्रलाइज AC हॉल, 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, CCTV की व्यवस्था, पार्क एवं फाउंटेन, अग्निशमन सुरक्षा, जनरेटर तथा साथ सज्जा एवं लाइट जैसे कार्य किए जाएंगे। नगर क्षेत्र के 15 योजनाओं का निर्माण को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने माजना घाट, शिव मंदिर तथा खरकई नदी तट का निरीक्षण किया और जुटको के अभियंताओं एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर के सौंदर्यकरण को लेकर तैयार इन सभी योजनाओं का DPR तैयार कर
ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है, जिसमें पब्लिक दुर्गा मंदिर का सौंदर्यकरण, खुदरसाई पार्क का पूर्ण निर्माण, डेली मार्केट में बहुमंजिला मंडी हाउस का निर्माण, बस स्टैंड पुरानी पानी टंकी के समीप मल्टीप्लेक्स दुकान का निर्माण, दीवान साई में एक मैरिज हॉल का निर्माण, इंद्र टांडी मैरिज हॉल में एक अतिरिक्त एसी कमरा का निर्माण सहित अन्य योजनाओं का डीपीआर बनाने का निर्देश उन्होंने दिया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इन सभी योजनाओं के प्रति गहरी रुचि रखते हुए सभी योजनाओं को वे सरकार स्वीकृत कराएंगे और तकरीबन 50 करोड़ की लागत से सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र का कायाकल्प करते हुए इसे आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इसी क्रम में मंत्री चंपई सोरेन ने पांड्रा रोड स्थित जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पंचायत सरायकेला के संयुक्त प्रयास से संचालित होने वाले 15वें वित्त आयोग के तहत निर्मित अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। सरकार 3.5 साल में 2 साल कोरोना से मुकाबला किया और 1.5 साल में इस तरह से जनहित में काम शुरू किया जो 20 साल पहले ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हमारा शिक्षा के क्षेत्र में उसी तरह है, हेल्थ का क्षेत्र में उसी तरह है और समाज को एक जगह बढ़ने उठने के लिए उसी तरह व्यवस्था किया जा रहा है जो नगर टाउन हॉल को तक कभी नहीं हुआ। कर्म पूरा नहीं कर रही सरकार, आज के आधुनिक युग प्रवेश हो चुका है, उसी तरह का शिक्षा का व्यवस्था भी, उसी तरह स्वास्थ्य भी और उसी तरह का यहाँ सिंचाई की व्यवस्था भी और उसी तरह ये यातायात का सुविधा भी करने जा रहा है। SSP ने की कार्रवाई, टेलको थानेदार रणविजय शर्मा लाइन क्लोज, नरेश कुमार सिन्हा बने टेलको थाना प्रभारी। SSP प्रभात कुमार ने टेलको थानेदार रणविजय कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। उनकी जगह नरेश कुमार सिन्हा को टेलको थाना प्रभारी बनाया गया है। बताया जाता है कि रणविजय शर्मा के खिलाफ कार्य में लापरवाही पाई गई थी, इसके बाद उन्हें लाइन क्लॉज कर दिया गया। 23 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने तथा जमशेदपुर शहर के युवाओं के दिलों में देशभक्ति के भाव को सशक्त करने के उद्देश्य से सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नाम्या स्माइल फाउंडेशन के तत्वाधान में कल यानी 23 जुलाई कारगिल विजय दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया जा रहा है। मानगो गांधी मैदान से मोटरसाइकिल यात्रा तिरंगा ध्वज के साथ शुरू होगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये यात्रा गोलमोरी स्थित शहीद स्मारक में पहुंचकर समाप्त होगा, जहां सभी मिलकर देश के वीर शहीदों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बाबत फाउंडेशन के संरक्षक सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने एक वार्ता के दौरान कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम शहर के युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाने एवं देश के वीर शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को जगाना चाहते हैं। है कि नम्या स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आने वाले 26 जुलाई को, जिसे पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए भारत माता के लिए, उनके उस योगदान को, उसके उस बलिदान को नमन करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया है, जो कि एक बाइक रैली के रूप में मानगो के गांधी मैदान से शुरू होगी और गोलमुरी के शहीद स्मारक पर जाकर खत्म होगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा साथी बाइक पर रहेंगे और गगनभेदी नारों के माध्यम से हमारे वीर शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी जो प्रेरणा उनसे मिलनी चाहिए उसके बारे में उन बातों को उनके समक्ष रखेंगे। जमशेदपुर के बारेडी क्वींस के द्वारा सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं महिलाओं के द्वारा प्रतियोगिता में डांस, कैटवॉक, संगीत आदि प्रस्तुत किए गए। वहीं महिलाओं ने कहा कि हमेशा महिलाएं बिजी और व्यस्त रहती है, जिस वजह से समय निकालकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि महिलाएं मनोरंजन कर सके। जो भी महिलाएं घर के अंदर थी, आज घर के बाहर आके सारा तकलीफ, सारा जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू था उसको हटा के यहाँ आके बहुत मस्ती कर रही है और हमें बहुत ही अच्छा लगा। चाहे लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया डांस को लेके, मेहंदी को लेके आगे, या फिर जो भी यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उसके लिए हमें बहुत दिल से शुक्रिया करूँगी रीता शर्मा को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और जितनी महिलाएं हैं मैं उनको फिर से दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रांची के नामकुम प्रखंड सिद्रौल स्थित ब्लेस बैंक्वेट हॉल में आजसू पार्टी प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व आजसू पार्टी जिला वरीय उपाध्यक्ष प्रकाश लकड़ा ने किया और संचालन जिला प्रवक्ता रोशन मुंडा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने वर्तमान समय में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य में शिक्षक की कमी, प्रखंड व अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकार की वादा खिलाफी को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना विचार रखा। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, सिर्फ बच्चे खिचड़ी खाने जाते हैं, कॉलम पूरा करने का काम चल रहा है। गाँव के ज़्यादातर बच्चे दसवां के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। आज गाँव के लोगों का जमीन खतरा में है, जमीन ही उनका पहचान है और जमीन खत्म हो जाता है तो आने वाले वंशज को क्या जवाब देंगे। जमीन ST SC OBC का जा रहा है, आज के समय में CNT भूमि को सादा पट्टा बनाकर बेचा जा रहा है। झारखंड में सादा पट्टा वाला परंपरा शुरू हो गया है। वर्तमान समय में अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को गांव जाकर जनता का हाल नहीं पूछना है, इन सभी को जमीन नापने से फुर्सत नहीं मिल रही है। BDO CEO को जमीन नापने में मजा आता है, मनरेगा के तहत कितना पैसा का उगाही करना है उसका पूरा हिसाब याद रहता है। गलत परंपरा समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। समाज आज किस ओर जा रही है, विचार करने वाली बात है। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा कि आपका मान लो 6 महीना 1 साल के लिए जो उनको ठहराते हैं, सरकार का वादा था 5,000 का ग्रेजुएट के लिए, सरकार का वादा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था। ये नई कल्पना को उसके सामने रख देना नहीं चलेगा। ये स्किल तैयार होगा, स्किल जरूर आएगा, लेकिन इसकी संख्या क्या होगी, कितने लोग आएंगे, स्किल किसका बना रहे हो, आफ्टर स्किल का हमारा योजना क्या है, कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, कहाँ जाएंगे, इसका क्या योजना है सरकार के पास। इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, वो केवल ये स्किल सिलेक्शन स्किल का तैयारी चल रहा है। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल हेयर, 5 मिनट वाला स्ट्रेट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश एक्टिवली केयर प्योर है एंड गिव्स यू नेचुरली स्ट्रेट फ्रिज फ्री है इन जस्ट 5 मिनट्स। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा आगामी 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक अग्रसेन भवन साक्षी में निशुल्क कृत्रिम प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां हाथ, पैर, कैलिपर, वैसाखी, कान की मशीन मुफ्त में दी जाएगी। इस शिविर में अब तक 125 लोगों ने पंजीकरण कर लिया है, जबकि 350 लोगों की व्यवस्था की गई है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह टीम राजस्थान से जमशेदपुर आ रही है। इस शिविर में दूर दराज क्षेत्र से भी काफ़ी लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें चतरा, पलामू, लोहरदग्गा, सिमडेगा, चायबासा, जादूगोड़ा, नवा मंडी, डाल्टनगंज, औरंगाबाद, सिवान क्षेत्र के लोगों ने पंजीकरण कराया है। शहर के बाहर से आए लोगों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था शाखा के द्वारा की गई है। आगामी 1, 2, 3 अगस्त को अग्रसेन भवन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हम लोग कृत्रिम में पैर, हाथ, कैलिपर्स और बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन निशुल्क दिया जाएगा। अब तक इसमें 125 लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। हमारा टारगेट 350 लोगों का है,
और ज़रूरत पड़ने पर ये और भी आगे के लिए हम लोग तैयार हैं। पिछले हफ्ता हमने DDC सिविल सर्जन से भी मुलाकात किया है और हमने गांव के मुखिया सहाया और होर्डिंग्स और प्रेस के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में ये लोग के पास ये जाए सूचना कि ऐसा करके शिविर हो रहा है जो निःशुल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण लगा रहा है और दिया जा रहा है। और साथ में इसमें हमारे जो कि दूर दराज से जो भाई लोग आएंगे उनके लिए आवास एवं खाने की व्यवस्था है, जो पहला दिन 3 दिन अपना रह सकते हैं वहाँ पर और तीनों टाइम का खाना पीने की व्यवस्था रही। साक्षी स्थित अग्रसेन भवन प्रांगण में मारवाड़ी समाज के तत्वाधान में सावन मिलन समारोह का किया गया आयोजन। साक्षी स्थित अग्रसेन भवन प्रांगण में मारवाड़ी समाज की ओर से सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रीमियर और अग्रवाल युवा मंच। यहाँ हम लोग रैंप वॉक रखे हैं, यहाँ हम लोगों ने वृंदावन थीम लिया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने 4 कलर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रैंप वॉक, हम लोग डांस कॉम्पिटिशन, तंबोला, डिफरेंट म्यूजिकल तंबोला खिला रहे हैं। इधर धतकीडी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में टाटा स्टील के तत्वाधान में कोलान स्तरीय योगा कंपटीशन का आयोजन किया गया। धतकीडी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में टाटा स्टील की ओर से कोलान स्तरीय योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। ओपन कोल्हान प्रमंडल योगा चैंपियनशिप 2023 जो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन के सौजन्य से 2 दिवसीय योगा प्रतियोगिता किया जा रहा है। इसमें पूरे जमशेदपुर से लगभग 400 बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। विभिन्न स्कूल, विभिन्न संगठन की ओर से ये योगा चैंपियनशिप कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग का एक ग्रुप कैटेगरी होता है अंडर 9 ईयर्स ए कैटेगरी, 9 to 12 ईयर्स बी कैटेगरी, 12 to 15 ईयर्स सी कैटेगरी, 15 to 19 ईयर्स डी कैटेगरी, इस तरह से हम लोग का FG कैटेगरी तक है। और साथ ही हमारे मदर्स ग्रुप भी रखा गया है, 2 मदर्स ग्रुप रखा गया है जिसमें हमारा बिलो 35 ईयर्स एक मदर्स ग्रुप है, एबव 35 ईयर्स एक मदर्स ग्रुप है। ये ग्रुप उन लोग के लिए अलग से रखा गया है ताकि हमारे जो मदर्स बच्चों को पालन पोषण करते हुए अपना समय निकाल करके इस योगा अपने शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। साथ ही कंपटीशन बेस का भी उन्होंने आसन करना प्रैक्टिस किया है। और कदमा में वोग आईवेयर शोरूम का विधिवत उद्घाटन समाज सेवी गुड्डू गुप्ता ने फीता काटकर किया। कदमा स्थित वोग आईवेयर शोरूम का विधिवत उद्घाटन समाज सेवी गुड्डू गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस दौरान संस्थान के प्रतिनिधि समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री वंदना गुप्ता जी के बड़े भाई गुड्डू गुप्ता जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आकर के आज कदमा में आई ज्वेल्स नाम से जो ऑप्टिकल्स के लिए अंसारी ऑप्टिकल्स के द्वारा खोला गया है। मैं आपको बताऊं कि अंसारी ऑप्टिकल्स चश्मे के मामले में या ये कह सकते हैं कि चश्मे की दुनिया में वो एक बड़ा ब्रांड है और वो अपने नाम का मोहताज भी नहीं है, अपनी पहचान का मोहताज भी नहीं है। उसी के अंतर्गत आज आई ज्वेल्स के नाम से ये उनका पहला शोरूम कदमा में खोला गया है। और अगर अंसारी ऑप्टिकल्स के बारे में कहा जाए तो ये नवा ब्रांच है उनका, तो कहीं ना कहीं कदमा के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पे ये एक बड़ा शोरूम खोला गया है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जमशेदपुर की जनता पावर चश्मा हो या किसी भी ब्रांड का चश्मा हो या आप फैंसी स्टाइलिश चश्मा के बारे में भी कह सकते हैं कि आसानी के साथ उनको उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराने का। क्या शुभकाम हो आपको? शाहनवाज अहमद। राज्य भर में आज से आयुष्मान पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ है। इधर जमशेदपुर में भी उपायुक्त के निर्देश पर आयुष्मान रथ को DDC मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 15 दिनों तक जिले के सभी प्रखंडों स्वास्थ्य केंद्रों में घूम घूम कर वैसे लोगों को जागरूक करेगी जिनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है। DDC मनीष कुमार ने योग्य लाभुकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की ताकि समय पर उन्हें उपचार की सुविधा मिल सके, साथ ही EKYC का लाभ भी लेने की उन्होंने अपील की। उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार आज जिले में हम लोगों ने आयुष्मान रथ रवाना किया, जिसके माध्यम से हम लोग जो लोग भी छूटे हुए लोग हैं, लाभुक हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है,
अथवा EKYC नहीं हुए हैं उनके बीच में ये रथ के माध्यम से जागरूकता फैलेगी। ये प्रचार प्रसार वाहन सभी ब्लॉक में जाएगा और लोगों को इसकी जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त आयुष्मान पखवाड़ा के तहत हम लोग जिला स्तरीय आज कार्यशाला भी कर रहे हैं और ये फिर प्रखंड स्तर भी होगा, पंचायत में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और लोगों से यही अपील होगी कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप प्लीज़ इस पखवाड़े में जो कि आज से शुरू हो रहा है 15 दिन तक के अंदर इसमें बनवा लें, जिससे आपको जब भी आप कोई अस्पताल जाते हैं जो आयुष्मान से इम्पैनल्ड होता है उसमें आपको इससे सुविधा होती है। मानगो में झामुमो पार्टी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया, कहा महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं सहेंगे। वहीं मानगो झामुमो अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू ने कहा कि मणिपुर की घटना का हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। मणिपुर की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, आज पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं और मणिपुर सरकार के खिलाफ लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज देश का हालत जो आप देख रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रहा है, सैकड़ों हजारों लोगों का वहाँ हत्या हो चुका है अभी तक में। तो इस सभी घटनाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है और इस जैसे घटना का निंदा करती है कि आदिवासियों के ऊपर इस तरह का लगातार घटनाएं क्यों घट रही। नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बार बार अपील करते हैं, हम लोग आदिवासी समाज का सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों को मान सम्मान नहीं बचेगा। इस तरह से मणिपुर में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। इन अत्याचार पर प्रधानमंत्री का किसी भी तरह का बयान नहीं आना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और समझने वाली बात है कि क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का जो ये लोग हितैषी बनने का प्रयास करते हैं लगातार, इसे ये लोग को निकलना चाहिए। देश की जनता समझ चुकी है कि आदिवासियों के किस तरह से ये लोग मान सम्मान बचा रहे हैं या महिलाओं के ऊपर किस तरह से ये लोग नारा बड़े बड़े बात करते हैं कि महिलाओं को बचाओ, महिला को अधिकार दो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है सभी घटनाओं का और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सभी के कृत्य पर बड़ी आंदोलन करने का भी हम लोग मूड में हैं, क्योंकि जब तक महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के मान सम्मान का हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम लोग अपील करते हैं प्रधानमंत्री से और बार बार इस तरह की घटनाएं ना घटे, नहीं तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। आज का कार्यक्रम बाबा तिलकामांझी चौक में मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का हम लोग पुतला दहन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों ने पुतला दहन किया और साफ संदेश देने का प्रयास किया कि इस तरह की घटनाएं एकदम रुक जानी चाहिए, नहीं तो देश में इस तरह के घटनाएं और बढ़ेगी और यहाँ का देश में और इससे गृह युद्ध जैसे माहौल पैदा होने के चांस है। इसीलिए हम लोग इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री से भी हम लोग अगर इस तरह की घटना का विराम नहीं लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस्तीफा देने का भी मांग करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पोटका के निश्चिंतपुर में टाटा स्टील के कचरा प्लांट का गांव वालों ने किया विरोध, कहा किसी हाल में कचरा प्लांट लगाने नहीं देंगे। परसुडी के सरजांदा में सड़क पर हुआ जल जमाव, पौधा और मछली छोड़ जताया विरोध। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर द्वारा आयोजित आक्रोश सर्वधर्म सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया। और शहर में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।